नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की जय। दोस्तों, आज तारीख हो गई है 21 अप्रैल 2024। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है मेरा वो है भात के ऊपर है। जो बहन के यहाँ भात देने गए थे माला श्रीवास्तव जी के यहाँ, तो पहले जो मैंने ब्लॉग में आधा डाला हुआ है और ये पार्ट टू होगा, इसे ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आगे अभी भांजे की शादी की जो पार्टी है, पार्टी के अभी फंक्शन दिखाता हूं मैं आपको अगले ब्लॉग में, ज़रूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू। मंडे को वस्त्र पहनाते हुए मुकेश श्रीवास्तव जी और चाचा जी ये चाचा जी हैं हमारे, और ये विकास श्रीवास्तव और चाचा जी माला को भात पहनाते हुए कपड़े, और जगदीश जी के कपड़े और माला को साड़ी देते हुए। अब बन रही भाभी, खड़े हो वहीं। हाँ, चुनने लेके पटरे पे ही। अब अरे वो मैंने भी ठीक है। ये रणसिंह बागड़ी जी हमारे भाई, अपनी बहन माला के जाए हैं, उसे चुन्नी पहनाते हुए भात में, और बहुत खुशी का दिन है। ये हमारी भाभी निशा बागड़ी जी भी आई हुई है, बहुत खुशी के साथ आए हैं ये, बहुत खुश होते हुए, और इन्होंने चार चांद लगा दिए भात की खुशी में। हाँ, नंद भी अच्छी लग रही है, भाभी भी अच्छी लग रही है, भाई भी अच्छे लग रहे हैं, सब बढ़िया। हाँ, ये तू अगले साल फिर बुला रही है हमारे को सबको। हम ऐसे ही आएंगे। राजे जा, अब राजे की बना दो। राजे चल, कहाँ गए राजे? उधर ही है। अब लो बनाओ, तुम बनाओ। रीना सही खड़े हो बेटा, चलेगा, चलता बात। ये राजे भाई हैं, राजे और रीना माला बहन से टीका कराते हुए भात देते हुए। एक मिनट, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी बहन भात ले रही हैं। राजेश शर्मा और रीना शर्मा, ये है यश शर्मा माला बुआ से टीका कराते हुए और भात भरते हुए। कहाँ भाभी बुलाओ? ये हमारे भाई रण सिंह बागड़ी जी और निशा बागड़ी जी, भाभी जी माला को भात देते हुए। बस ठीक, ओके। ये रण सिंह बागड़ी जी, निशा बागड़ी जी अपने दामाद और बेटी को, भांजी को और भांज दामाद को हाथ में साड़ी वगैरह कपड़े देते हुए और पैसे देते हुए। थैंक यू सो मच, ओके। आओ मुकेश जी, आ जाएगी, आ जाएगी, चलो आ जाएगी। साहिल, अन्नी आ जा, अन्नी और अन्नी की बहू आ जाएगी ना, अन्नी अन्नी की बहू। ये मुकेश श्रीवास्तव जी माला बहन से टीका कराते हुए भात देते हुए, और साहिल श्रीवास्तव
और हमारे बहनों ही गायब हैं, जगदीश श्रीवास्तव वो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। आ जाओ, तो पैसों पे गिर गिर के पड़ा रहे हो यार। देखो मैंने आपको देख के ही बोला था। क्या बोला था तुमने? मैंने कहा जगदीश जी छुपे बैठे हैं। गायब हो गए भातियों से डर के। अभी एक भाती फैला है। मैं अपनी बहन के लिए ले आई है। तुम भी ओढ़ोगे? अरे मेरे को भी तो नोट का कुछ हार वार होगा भाई, ये भी ओढ़ेंगे। मैं इसी वजह से लौटूंगा। निधि दूसरी चुन्नी कहाँ है? निधि नहीं, एक चुन्नी लगे रहे, नोट वोट लगाएंगे। वो दूसरी चुन्नी कहाँ है? वो भी उड़ा दे इनको, इनको उड़ा दे। दे 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 अभी दे। ये तो फोन ऐसे पकड़ रहा जगदीश जी, ऐसे कर रहा तुम। ये लो जी, ये सिखवा करने से अपनी बहन को चुन्नी उड़ाती। ये हमारी गुत्थी आ गई, कपिल शर्मा शो की गुत्थी। अरे सर पे उड़ो, लोग लाग रहे हैं, ये पकड़ो लोग ऐसे पैसे। मेरी बुलबुल कपिल शर्मा शो की गुत्थी है हमारी। नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। हाँ आ जाओ भाई। बच्चों को दिखा रहे अन्नी श्रीवास्तव, कविता श्रीवास्तव, बहन माला से। बुआ किसकी है? आपकी है बुआ। पैसे निकालूंगा अपनी बुआ से टीका कराते हुए, और भी है ये रे, बहाद बहाद भरते हुए। और ये रे लग जाता है। कविता श्रीवास्तव जी और जितेंद्र श्रीवास्तव जी, और ये आ गई अद्दू। अद्दू का नाम है क्या? मिस्टी। मिस्टी मिस्टी और क्या नाम है सर? अद्विका। अद्विका अनुष्का। आप बोलो क्या नाम है? अद्विका। हाँ अभी तो हम जो कहेंगे वही करोगे आप। अरे इतने पैसे दोगे तो मैं जो मर्जी कर दूंगा। अरे विकास और निकाल भाई नोट। और बोल रहे क्या? स्टेपल पिन लगा दे। स्टेपल पिन लगा दे। हटा ना तू, हटा हटा। अरे निकाल ना। अरे ये रे पटरे पे नहीं आते। हमारा क्या जा रहा है? ये कांता भाभी माला बहन से टीका कराते हुए और बात देते हुए, और मुन्नी बागड़ी मुन्नी भाभी। अब तुम बड़ी भाभी के टाइम मुन्नी भाभी कर रहे हो? नहीं वो दोनों खड़ी है ना, तो इनका भी तो देखिए, ये मुन्नी भाभी आगे हैं और इधर जो कांता भाभी हैं, बस नीली वाली मुन्नी भाभी और अकेली आई है बिना भाई के। तो कोई बात नहीं, भाई को मैं देख लूंगा बाद में। कहाँ देख लो भाई को, एक भाई को देख के तुम्हारे पसीना छुड़वा दे, एक भाई नहीं। मेरे को आदत है ऐसी। राजे आ जाओ भाई, निक्के राजे कहाँ गए? माला यार, ये चुन्नी में छुपाने पड़ेंगे पैसे, देखिए मेरे को पहले यार। नौशावर करनी है बताइयो में। दीदी खुश रहो। अरे हेलो, दूधो नहाओ पूछो मानो। अब दूधो नहाओ पूछो मानो, अब बुढ़ापे में पूरा छूना मत। नहीं बुढ़ापे में फल जाता है।
नहीं तो तुम अब बहू आनी है पोता पोती आने वाली है अब तुम उनको उल्टा दूसरा अरे लिखो अरे भैया दस दस के नोट दे दो कुछ इसमें लगे हैं ये लोग ये लो एक वो भाई ठीक है ना नहीं तू मैं निकालूं और ज्यादा है उसमें मेरी गाड़ी बननी है मेरी कैसे गाड़ी है बननी है राजेश श्रीवास्तव बहन माला से टीका कराते हुए भात देते हुए साउथ काम क्यों आते नरेंद्र चंचल जी के पास जय माता जय माता अरे बेटा चंचल बोलवा फोटो तो ले बेटे मुंह इधर कर लो हम इधर मुंह कर रहे हैं हाँ हम इधर मुंह कर रहे हैं बोल साचे दरबार जय कालका माई की जय बेटा इधर मुँह कर लो बच्चे मुंह इधर तो करवा राजे पता तो लग रहा था राजे की बहू भी आई थी कोई बात नहीं बेटा ऐसी होता छोटी बहन है कोई बात नहीं बेटा मैं तो सबको पहले हटवा के फोटो ले लेता बेटा कोई दिक्कत थोड़ी दोबारा थोड़ा करा हुआ अच्छा भाई हमें तो ठीक समझा दो आगे निकलने दे हाँ भाई निक्के आ जल्दी हाँ भाई भतीजे लट्टू गोपाल ये हमारा भतीजा है लड्डू गोपाल श्रीवास्तव हमारी तो बोल तो दी यार राजेश श्रीवास्तव बोला अब भी बोल देता हूँ ये राजेश श्रीवास्तव है इनके लड्डू गोपाल है ये बस बेटा गुड़िया बस भाई हमारी तो बेटी है हमारी तो बेटी तेरे लिए गुड़िया है ना हमारे लिए गुड़िया हमारी तो बेटी है आनी क्या ये है निक्के श्रीवास्तव बहन माला से टीका कराते हुए और भात भरते हुए बच्चे अब मुझे नहीं खोल रहे तो मैं क्या करूँ मुझे घूम लेना चाहिए यही सही सब तुम्हारे हमारा क्या हमारा ही फोन हमारा ही चुन कर दी कर दी मनी नहीं आया ये आ गया ना अरे नहीं होएगा अभी मैं तो बड़े भाई को बुला रहा ये सिब्बू श्रीवास्तव हैं बहन माला से टीका कराते हुए और भात भरते हुए देखिए मुकेश जी मान सम्मान कर रहे हैं भात में और भात पहना रहे हैं मुकेश जी को ये हमारे समधी साहब हैं और ये हमारी समधन जी हैं और मुकेश जी समधन को और समधी को भात पहनाते हुए टीका करो जी
ये हमारे बेटे की बहू हैं जितेंद्र श्रीवास्तव जी की और कविता श्रीवास्तव जी, हमारी समदन का तिलक करते हुए अपनी मासी का। मुंह मीठा कराते हुए मुकेश जी का मुंह मीठा कराते हुए इसी बहाने मुकेश जी को एक बर्फी और मिल गई खाने को। ये थाली हाथ में। ये देखिए जगदीश श्रीवास्तव जी को भात पहनाते हुए मुकेश श्रीवास्तव जी और बहन माला को भात पहनाते हुए। ये हमारे दामाद हैं अन्नी जी, मुकेश श्रीवास्तव जी। अन्नी श्रीवास्तव जी का को भात पहना रहे हैं और भांजी निधि को, भांजी निधि श्रीवास्तव। जितेंद्र श्रीवास्तव और फहन्नी निकू श्रीवास्तव दूल्हे राजा को भात पहनाते हुए, ये भात के कपड़े हैं, शेरवानी क्या हाँ। ये देखिए दूल्हे राजा को कपड़े पहनाते हुए जितेंद्र श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव मामा हैं और जितेंद्र श्रीवास्तव दूल्हे के भाई हैं, मामा के बेटे हैं। कितने ग्यारह सौ 51 रुपए दूल्हे राजा के कपड़ों पर। भाई जितेंद्र श्रीवास्तव सौरभ श्रीवास्तव जी को, अपने छोटे भाई को भात पहनाते हुए, मामा मुकेश श्रीवास्तव। क्या बात है, मुंह मीठा कराते हुए। दोस्तों हमारे विशु श्रीवास्तव जी किसी को छोड़ने गए हैं, आ गया है वैसे तो, चल आप ही ले लो ना, चलो आज भांजा विशु श्रीवास्तव जी गाड़ी में आए हैं अभी। दोस्तों ये आ गया हमारा शेर विशु श्रीवास्तव और जितेंद्र श्रीवास्तव भात पहनाते हुए, मामा मुकेश श्रीवास्तव जी। ये देखिए कोट पैंट देते हुए, हाथ तेरे की भांजा मुस्कुराते हुए।
चलेगा। ओ वेरी गुड। दोस्तों साहिल श्रीवास्तव अपनी भांजी को टीका करते हुए और भात पहनाते हुए तेरे की खुश हो गई भांजी, खुश हो गई मामा भात पहना रहा है। नाम क्या है इसका लड़की का? आराध्या। आराध्या, आराध्या मामा से अपनी फ्रॉक को लेके बहुत खुश हो रही है आराध्या। आराध्या श्रीवास्तव। दोस्तों साहिल दोबारा आया है, ये अपने भाई अक्षय का टीका करवा रहा है, अक्षय श्रीवास्तव का। और देखिए कैसे हंस रहे हैं, देखिए कैसे हंस रहे हैं, हम तो दोबारा भी लेंगे। हेलो अब चालू। दोस्तों राजेश शर्मा और रीना शर्मा बात देते हुए बहन रीना को साड़ी, माला को साड़ी और जगदीश जी को भी कपड़े। ये रीना शर्मा जी अपने भांजे को निक्कू को ये कपड़े और पैसे देते हुए बात में। निक्कू जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं मामी को देख के अपनी। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। टाटा बाय बाय।